दो वहाँ भाग गई, धान खाने के लिए आई है। खुशी को लग रहा है डर। खाना खुआ ही देती हूँ, वो क्या बोलता है, उसकी भी तरह सफाई सुन। बहुत हेल्दी होती है दाल, इसको भिगा के इसका पानी भी पिया जाता है। जो आइए पोपट हो गया आज मेरे। दगड़ियों सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। गाइस बच्चों के जाने की तैयारी हो गई है, ये पहन रहे हम जूते, अब जाएंगे। और आज हवाएं बहुत अच्छी चल रही है, ठंडी ठंडी, कहीं तो बारिश हो रही है। बारिश का मौसम है तो है ना, कभी भी बारिश आ सकती है। हो गए रेडी? हाँ। चलो बैग लिए। किसमें जूते गिनते? देख ले फिर, बैठक बैठक ना हो तो अच्छा। अब वो मैंने वो चिपकाया ना, इसलिए लग रहा होगा हार्ड। हाँ वो अंदर से भी लग रहा होगा। बाय, आराम से जाओ, आराम से जाओ। चलिए करते हैं घर का काम। अब मेरा फेस थोड़ा सा ठीक हो गया। अरे कैसा हो गया था? अब ठीक है। चलो तो गाइस, काम वाम सारा हो गया है मेरा, और मैं बैठी हुई थी, रेस्ट कर रही थी। और पता है क्या हुआ, सुबह मैं कर रही थी काम, पोछा लगा रही थी, तो कान्हा के स्कूल से आ गई कॉल मैडम की, और बोल रही थी, कुछ बता रही थी, अब कान्हा आएगा तो तभी जाके बात होगी कि मैम ने कॉल क्यों करी, वही बताएगा ठीक से, है ना। अभी नहीं बताती मैं, कान्हा को आने देती हूँ, वो क्या बोलता है, उसकी भी ज़रा सफाई सुन। बट आज फर्स्ट टाइम कान्हा के स्कूल से कॉल आई मुझे। ये देखो मेरा हाथ पता नहीं कैसे कट गया, हथेली कट गई है, पूरे इधर दर्द हो रहा है यार। अब पता नहीं कैसे कटा, मुझे समझ में नहीं आ रहा, पूरा छिलका निकला पड़ा था। चलिए गाइस, आज मैं बनाने जा रही हूँ गोहत की दाल। गोहत होता है ना, हमारे पहाड़ी में बोलते हैं गोहत। कहाँ होगा भाई साहब, वो भी ढूंढना ही पड़ेगा मेरे को। ये रहे, मिल गए गाइस। ये वाली जो दाल होती है ना गोहत की, ये बहुत ही हेल्दी होती है, खासकर शुगर पेशेंट के लिए, और जिनको स्टोन की प्रॉब्लम होती है ना पथरी की, उसके लिए बहुत हेल्दी होती है दाल। इसको भिगा के इसका पानी भी पिया जाता है, जो वो होते हैं शुगर पेशेंट होते हैं। और बताओ, हमारे गांव में इतनी सारी चीज़ें ना, इतनी जड़ी बूटियाँ हैं ना, कि आधे से ज़्यादा तो हमको नाम ही नहीं मालूम। अब जब यहाँ बताते हैं ना तो तब पता चलता है, अरे ये तो हमारे गांव में है, अरे ये तो हमारे गांव में है। और ये मेरी मम्मी ने दिए, कब से दे रखे हैं, मैं थोड़ा 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 करके इनको बना रही हूँ। सो गाइस, मम्मी भी बोल रही थी आज उसके दांत तोड़वाने जाना है, उसके दांत में हो रहा है दर्द, तो बोल रही थी मैं दांत तोड़वाने जाऊँगी। ये नीचे के दांत है ना, ये वाले, ये सारे कीड़े ने खा दिए। क्या गया, अभी करती हूँ कॉल, तोड़ के आ गई क्या दांतों को, पूछती हूँ। तो बोल रही सुबह सुबह चले जाऊँगी ठंडे का, मतलब काम होगी ना धूप, उसको बोलते हैं ठंडे का। ओ गाइस, हमारी दाल बन के रेडी है। ये देखो गोहत की दाल बन गई है, इसमें मैंने थोड़ा सा बाजार की दाल मिक्स करी, क्योंकि वो फिर एकदम पतली सी हो जाती है ना, थोड़ी ठीक ठीक नहीं रहती, तो मस्त दाल बन गई हमारी। अब चढ़ा रही हूँ मैं चावल, तो फटाक से बना लेते हैं भात, बच्चे भी आने वाले हैं, लजीज। और मैं ऊपर से ले आती हूँ कपड़े, भाई कपड़े भी लाने जरूरी हैं, मौसम हो रहा है थोड़ा आज सुहाना सुहाना। बाहर देखो मौसम कितना मस्त हो रहा है, दिख रहे? और यार मेरा ना पोछा भी टूट गया, क्या करूँ, कहाँ से लाऊँ इतने पोछे, हाथ से लगाना। हमारी बुलबुल रानी भी चली गई घर छोड़ के, अभी कोई आ भी नहीं रहा है, ये वाला घोंसला भी खाली पड़ा है, हैं? और यहाँ मेरा कबाड़ा पड़ा है, ले चलो कपड़े ले लेते हैं थोड़ा सा, है ना, जो जो सूख गए हैं। आइए, पोपट हो गया आज मेरे साथ। तेरे ही इंतजार हो रहा था। तेरे सामने आया था मुझे फोन। हाँ। क्या हो गया, क्या बात हो गई आज? कॉपी ले जाना भूल गया मैं, बाद में पता चला मेरे बैग में पड़ी थी कॉपी। कॉपी ले जाना भूल गया, मतलब तेरे को उस समय लगा तू कॉपी नहीं ले गया, लेकिन तेरे बैग में ही कॉपी थी। हाँ।
झूठ बोल रहे हैं। देख बैग में दिखा, संस्कृत की थी ना। दिखा दिखा जल्दी। और मैम ने कॉल क्यों करी फिर मेरे को? अरे मैम मेरे को उस रोज दिखी नहीं। क्यों, तू अच्छे से अपना बैग चेक नहीं कर सकती? इधर दिखा सोफे पे। अच्छा तो अच्छे से अपना बैग चेक नहीं कर सकता? अरे अपनी बेइज्जती खुद ही करवाता है ना। कैसे ध्यान नहीं रहा? दिखा जल्दी और दिखाई फिर मैम को कॉपी। मैम को पीरियड चला गया ना, तो दोबारा जाके दिखाता। मैम मेरे पास है संस्कृत की कॉपी। अब तो फोन हो गया तो मैम ये देखो गाइस, इस लड़के की संस्कृत की कॉपी इसी के पास थी और मैम का मुझे कॉल आया कि कान्हा कॉपी लेके नहीं आया है और कल इसको कॉपी लेके याद से भेजना इसके बैग में, अदरवाइज ये पिटाई खाएगा। oh, no! और मेरे को इतना गुस्सा आ रहा था ना सच्ची, मैंने कहा रुक जा उसको आन दे घर पे ही बताऊंगी। पोपट तेरी बुद्धि से हुआ है। अरे तो मेरे को मिली नहीं, जैनेट खत्म हो गया उसके बाद जाके मैं चला गई नोट। अरे तो अच्छे से देखना चाहिए ना भाई, ये थोड़ी। अब फिर अब कल चेक करवाएगा? कल मैम को पीरियड। मैम बोल रही थी चाहे पीरियड है या नहीं है। सुबह से शाम हो गई है और देखो खुशी लगी हुई है अब एक वीडियो बनाने में जिसमें है कान्हा जी। अगर आपको ये वीडियो देखनी है तो उसके चैनल पर जरूर जाना। आज ये कंप्लीट कर लेगी तो कल या परसों तक मैं डाल दूंगी क्योंकि टाइम लगता है ना एडिट वेडिट करने में। तो बहुत अच्छी वीडियो बनाई है, इसके चैनल पर जरूर जाना। भर के लिए आती है और आज तुमने चाय इतनी भर के दे दी बता। और वैसे बोलते चाय नहीं भाई, ये बहुत है, मेरे को थोड़ा सा चाहिए होता है, इतना थोड़ी भर के चाय बनाने के लिए। बोलो कितना गिलास भर के रखती है पागल लड़की। लो भाई दूध भी ले लिया। यहाँ पे देखो क्या कर रहे रे बच्ची ये। अरे क्या कर रहे हो, साइकिल गिर जाएगी तुम भी गिरोगे। उधर से लेके आ रोगे। हाँ बड़ी पटांग काम रह रहे बच्चों के। हम लोग बाहर आ गए हैं हवा खाने के लिए, खुशी भी है साथ में। हेलो पहले ये नहीं आ रही थी क्योंकि दूध वाला नहीं आया था ना, फिर दूध वाला आ गया तो मैंने कहा चल आते हैं। यहाँ पे भैंस बिहार रखी है। नहीं नहीं बछड़ा नहीं है वो, भैंस का बच्चा है। बछड़ा है तो गाय के बच्चे को बोलते हैं। भैंस के बच्चे को क्या बोलते हैं? थोरा थोरी, पहाड़ी में तो थोरी बोलते ये रे। वैसे बोले कटड़ा कटड़ी बोलते हैं। सब आए हुए हैं वॉक पे, इवनिंग वॉक करा रखे सब आंटी अंकल बड़े बूढ़े। गाइस गाइस बीच सड़क में ये देखो नील गाय, कुछ नहीं गाय ये देखो बेचारी ये रही। अरे भाग गई ये रही, देखो कहाँ है एक ये रही, एक ये रही दो वहाँ भाग गई। ये धान खाने के लिए आई है, खुशी को लग रहा है डर। चलो इधर को घूमते। और देख रही है देखो सींग है भाई साहब, सींग है इसके। ये देखो उधर देखो, हाँ यार इधर तो तीन गाय इधर है और दो ये रही। अरे देख कैसे देख तो रो पापा आगे हमारे पीछे भाग गई तो। हाँ वो दौड़ा भी सकती है वैसे, जा इतना ग्रांटेड नहीं खाची। वो देखो बाय बाय चलो चल लो तुम। I kept searching for your track.